स्टार महोदय, शिक्षा भी ऐसा ही मुद्दा है। हमारे देश में 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दौर में ही शिक्षा के समर्थन में आवाज़ उठने लगी थी। इस प्रकार सरकारी प्रयासों से पहले ही अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा के प्रचार के प्रयास शुरू कर दिए थे। सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तरों पर काम करने वाली संस्थाओं ने अपनी गतिविधियों का और विस्तार किया, जिनमें लड़कों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के विशेष प्रयास भी शामिल थे। स्वतंत्र भारत ने जो संविधान स्वीकार किया, उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। हालांकि यह संकल्प अभी तक अधूरा है, फिर भी सरकारी व गैर सरकारी स्तरों पर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश में साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। 20वीं सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा मुहैया करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हम अभी इस लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। फिर भी पुरुष और महिला साक्षरता दर में वृद्धि के आंकड़े लगातार ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद है कि देश की जनसंख्या अप्रत्याशित गति से बढ़ी है। यदि जनसंख्या नियंत्रण की कार्यनीति पर सही ढंग से अमल किया जाता तो साक्षरता से संबंधित आंकड़े अवश्य ही अधिक उत्साहवर्धक होते। देश में औसत साक्षरता दर 1951 में केवल 18.33% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार 65.38 यानी लगभग 3.5 गुना हो गई। इसी तरह पुरुषों की साक्षरता दर इसी अवधि में 27.16% से बढ़कर 75.87% हो गई, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि का द्योतक है। किंतु महिला साक्षरता में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई, जो 1951 में 8.86 से बढ़कर 2001 में 54.16% हो गई। इस एक और उत्साहवर्धक पहलू यह है कि महिला साक्षरता की दर में पिछले दशकों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साक्षरता दर में यह वृद्धि शिक्षा के प्रसार की दिशा में किए गए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। साक्षरता दर में वृद्धि के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार के उपायों का विशेष योगदान है। हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाकर देशवासियों को याद दिलाया जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा यह कृत संकल्प है कि नई आर्थिक नीति सामाजिक न्याय के संवर्धक बने तथा उसका पूरा पूरा लाभ हमारे दलित, आदिवासी,
पिछड़े और पिछड़ों में से पिछड़े वर्गों तक पहुँचे। इस दिशा में गत 3 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में अब हम कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अधिक और सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये के एक नई महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संचालित स्थायी विकास के कार्यों में काम करने वालों को नगद और अनाज के रूप में मजदूरी मिलेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के मूल्य का 50 लाख टन अनाज राज्यों को हर वर्ष आवंटित किया जाएगा। मौजूदा सभी रोजगार योजनाओं को इस बृहद योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना से लगभग 100 करोड़ श्रम दिन के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में एक खास विसंगति है, प्रायः समूची बचत बैंकों में जमा है। बैंक इसका पूरी तरह से विकास कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों को बैंकों की सहायता नहीं मिलती। ये असंगठित क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का 2/3 हिस्सा हैं। इस क्षेत्र की ऋण वापसी की साख बड़े उद्योगों के तुलना में अच्छी है। हम असंगठित क्षेत्रों को साधन मुहैया कराने के लिए कुछ संस्थागत प्रबंध का विचार कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण के बिना न तो विकास में तेजी संभव है, न ही इसमें जनता की भागीदारी। इसीलिए 10 वर्ष पहले पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपने के लिए हमारे संविधान में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, लेकिन अभी भी वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से हम पंचायतों को पर्याप्त रूप से अधिकार संपन्न नहीं बना पाए हैं। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार शीघ्र ही एक राष्ट्रीय बहस छेड़ेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 30 लाख से अधिक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। हम चाहेंगे कि विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन ग्राम वासियों की भागीदारी से पंचायतें स्वयं करें। इसके लिए पंचायतों को तथा ग्रामीण विकास कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के बारे में भी कदम उठाए जाएंगे। स्टॉप।